क्या आपको भी पता चल चुका है कि इंडस का एक और टूर्नामेंट आ चुका है, वो भी 10 लाख प्राइस पूल का, और आप अभी भी कंफ्यूजन पे हो कि उसमें रजिस्टर कैसे करना है, क्वालिफायर्स कैसे होगा, हम जीतेंगे कैसे, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये डाउट है कि हम कैसे क्वालिफाई करें, कैसे जीतेंगे एंड कैसे हमारे मैचेस होने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनना, किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टूर्नामेंट है हमारा 10 लाख प्राइस पूल का, जिस टूर्नामेंट का नाम है ग्रज वॉर्स। सो इसमें दो लीग होने वाली है, जो कि है एक प्रो लीग, एक है चैलेंजर लीग। ये पूरा टूर्नामेंट दो लीग में बेस है। अब ये कैसे होने वाला है, क्या इसके प्राइस पूल है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। टूर्नामेंट का मैं आखिरी फॉर्मेट सबसे पहले समझाने वाला हूँ, जो हमारा वीक 3 पे फाइनल्स होने वाला है, ग्रैंड फाइनल। उसमें 15 प्रो लीग टीम रहेगी, 15 चैलेंजर लीग टीम रहेगी, समझ रहे हो? मतलब ये समझ लो T1 T2 टाइप का समझ लो, कि एक T1 लॉबी एक T2 लॉबी। तो T1 लॉबी में भी 15 टीम रहेंगी और T2 लॉबी पे भी 15 टीम, मतलब प्रो लीग की 15 टीम, चैलेंजर लीग की 15 टीम। अब आप कैसे प्रो लीग की 15 टीम पे आ सकते हो या कैसे चैलेंजर लीग की 15 टीम पे आ सकते हो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सो चलते हैं हम सबसे पहले वीक 1 पे। वीक 1 पे सभी लोग रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें से कि बहुत सारे ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप से जो भी टीम टॉप 2 या 3 आएगी, उनमें से उनको चूज कर करके हर ग्रुप से निकाला जाएगा। मतलब जो टॉप 30 टीम सेलेक्ट होगी, लाइक हर ग्रुप से 2 टीम या टॉप 3 टीम को उठाएंगे, और जैसे ही वो नंबर 30 टीम्स हो जाएंगी, उन टीम्स को प्रो लीग में डाल दिया जाएगा वीक 1 के। और जो बाकी टीम्स बचेंगी वो जाने वाली हैं चैलेंजर लीग पे, लाइक जितनी भी क्वालिफाई नहीं हो पाई वो सब चैलेंजर लीग पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो टॉप 30 टीम प्रो लीग में हैं, उनके बीच में मैचेस होंगे, उनमें से सिर्फ टॉप 5 टीम सेलेक्ट हो जाएंगी प्रो लीग के ग्रैंड फाइनल के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ग्रैंड फाइनल पे 15 प्रो लीग होने वाली है, 15 चैलेंजर टीम होने वाली हैं। तो प्रो लीग की जो टीम्स हैं उसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको वीक 1 पे टॉप 30 टीम्स के टॉप 5 में आना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लेना बैक करके वीडियो। और जो चैलेंजर टीम है, चैलेंजर टीम के बीच भी मुकाबला होने वाला है, जो टीम प्रो लीग नहीं क्वालिफाई कर पाई उनके बीच में मुकाबला होगा। और उन टीम्स में जो टॉप 5 टीम्स रहेगी, वो टॉप 5 टीम्स भी पहुँच जाएगी 15 चैलेंजर लीग टीम्स में, 5 टीम्स यहाँ से भी काउंट हो जाएगी। सो मतलब वीक 1 से हमें 5 प्रो लीग की टीम मिलने वाली, 5 चैलेंजर लीग की टीम्स मिलने वाली हैं। सो दोनों ही प्रो लीग टीम्स और चैलेंजर लीग टीम्स में 5-5 टीम्स हमें वीक 1 पे देखने को मिलेगी। यही सेम प्रोसेस वीक 2 पे होने वाली है, लाइक जो 5 टीम क्वालिफाई कर गई हैं ग्रैंड फाइनल के लिए, उनको रजिस्टर नहीं करना है, बाकी जो बची टीम्स है वो फिर से वीक 2 पे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सेम वही प्रोसेस होने वाली है, टॉप 30 टीम्स प्रो लीग पे जाएंगी और बाकी जो टीम्स है वो चैलेंजर लीग पे, और इन्हीं लीग में जो टॉप 5 टीम्स आएंगी वो फिर ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 10-10 टीम आ चुकी है दोनों में। उसके बाद आता है वीक 3। वीक 3 पे जो टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं वीक 1 2 पे, उनको रजिस्टर नहीं करना है। वीक 3 पे वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। सो यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस होने वाली है, टॉप 30 टीम्स प्रो लीग में जाने वाली हैं, बाकी चैलेंजर लीग में, और यहाँ से भी 5-5 टीम्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि जाएंगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होकर। एंड ग्रैंड फाइनल पे प्राइस पूल आप देख सकते हो, 5.5 लाख रुपए का प्राइस पूल है, जिसमें से कि 3.5 लाख रुपए प्रो लीग के लिए होगा और 2 लाख रुपए होगा चैलेंजर लीग के लिए। अब आप यहाँ पे पूछोगे 10 लाख के टूर्नामेंट में ग्रैंड फाइनल तो 5.5 लाख का ही हो रहा है, बाकी पैसे कहाँ गए? तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जो ये 3 वीक होने वाले हैं, इनका भी प्राइस पूल है। लाइक वीक 1 पे जो टीम टॉप 5 में जाने वाली हैं प्रो लीग और चैलेंजर लीग से, उनके लिए प्राइस पूल है 1.5 लाख रुपए। ऐसे ही वीक 2 में भी सेम प्राइस पूल है, वीक 3 में भी सेम प्राइस पूल है, बट कौन सी टीम को कितना मिलेगा? सो जो अब 1.5 लाख का प्राइस पूल है, ये टॉप 10 टीम्स को मिलेगा, लाइक 5 प्रो लीग और 5 चैलेंजर लीग में जो टीम क्वालिफाई हो रही हैं, ये 1.5 लाख रुपए उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऐसे हर वीक के 1.5-1.5 लाख रुपए प्राइस पूल है। सो ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है 1.5 लाख रुपए, इसमें सिर्फ जो टॉप 5 प्रो टीम प्रो लीग की टीम सेलेक्ट हुई हैं उनको 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके बाद जो चैलेंजर लीग में टॉप 5 टीम्स गई हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब 50,000 रुपए 5 टीम पे बांटा जाएगा, ऐसे ही 1 लाख रुपए 5 टीम पे बांटा जाएगा प्रो लीग में, ऐसे हर वीक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड रूल्स, क्या रूल्स हैं और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो है टॉप 150, आपको लीडर बोर्ड पे टॉप 150 आना पड़ेगा, जो कि इंडस की सीजन लीडर बोर्ड, जो कि आपको यहाँ पे दिखती है। जैसे हम लीडर बोर्ड पे जाते हैं और थर्ड ऑप्शन जो है सीजन, इसमें हम क्लिक करते हैं, इसमें आपको एटलीस्ट 150 रैंक तक रहना है। लाइक मेरी अभी 62 रैंक है और इसकी रैंक बढ़ती है जितने भी आप गेम खेलोगे, हर गेम पे कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं,
वहां से आपकी रैंक बढ़ती है। ऐसे करके आप या तो 150 रैंक तक मेंटेन कर लो, या तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो है बैटल पास होल्डर। आपके टीम के जो चारों प्लेयर हैं, चारों प्लेयर के पास बैटल प्रीमियम इंडस पास होना चाहिए, लाइक आपके चारों प्लेयर्स के पास प्रीमियम इंडस बैटल पास होना चाहिए, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड क्वालिफायर्स का रूल यही है कि अगर आपने, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने पहले ही वीक में टॉप 5 टीम्स बन गए हैं, या तो चैलेंजर के या तो प्रो लीग के, अगर आप टॉप 5 टीम्स में आ गए हैं, देन आप किसी भी वीक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके। तो ये था गाइस पूरा फॉर्मेट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, एंड ये फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उस फॉर्म के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो, और या तो आप इंडस के डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो अनाउंसमेंट में जाके। सो ऑल द बेस्ट सभी टीम्स के लिए, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं सभी का रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं गाइज एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।